सो पॉपअप सेल्फी कैमरा है इसमें और खूबसूरत फोन है, साथ ही आपको बताएं कि बेजललेस भी है। ये कीमत है 24,999 रुपए। ओप्पो F11 Pro है ये स्मार्टफोन। दिखाते हैं आपको इसका पूरा रिव्यू। मैं हूँ श्रुति शर्मा और आप देख रहे हैं टेक तक। तो 24,999 रुपए इस फोन की कीमत है। अब ऐसा लग रहा है कि स्मार्टफोन में पॉपअप सेल्फी कैमरा इज बिकम अ नेसेसिटी, क्योंकि ऑलमोस्ट अब इतने सारे मॉडल्स आ गए हैं जिसमें पॉपअप कैमरा दिया जा रहा है, एंड दिस इज आल्सो वन ऑफ देम। बेजललेस स्क्रीन है, 6.53 इंच स्क्रीन है, और ये भी बता दें आपको कि जो डिज़ाइन है वो भी बहुत खूबसूरत है। तो ये अब USP बताए हैं आपको इस फोन की, और बताते हैं अब डिजाइन से शुरू करते हैं कि कैसा है ओप्पो F11 Pro का डिजाइन। डिजाइन फोन का बहुत ही खूबसूरत है। अरोरा ग्रीन कलर एट द बैक इज माय फेवरेट। ऐसा खूबसूरत कलर शायद ही अभी तक किसी फोन में आया है। बैक ग्लास की नहीं है, इट्स प्लास्टिक बट स्टिल लुक्स वेरी गुड। साथ ही फोन थोड़ा हैवी भी है। फ्रंट इज ऑल क्लियर स्क्रीन विद नो नॉच एट ऑल। रियर कैमरा सेटअप है एट द बैक एंड फिंगरप्रिंट सेंसर भी। यूजुअल बटन्स हैं विद द स्पीकर, USB पोर्ट एंड हेडफोन जैक एंड अदर बटन्स एज वेल। सो रेजोल्यूशन स्क्रीन का है 1080x2340p और बेजललेस स्क्रीन है पूरी। तो आप अगर कुछ भी वीडियो देखेंगे इस पे या गेम खेलेंगे तो इट कम्स आउट वेरी वेरी ब्यूटीफुल। हैवी है थोड़ा सा फोन जैसा आपको बताया, बट काफ़ी स्टर्डी भी है हाथ में। और साथ ही आपको बता दें दैट रिफ्लेक्शन बहुत है स्क्रीन में, सो लाइक इन अ सनलाइट इट इज रिफ्लेक्टिंग क्वाइट अ लॉट, सो दैट इज काइंड ऑफ इरिटेटिंग। बात परफॉर्मेंस की करें तो इसमें दिया है MediaTek का हीलियो P70 प्रोसेसर जो 6GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। मेमोरी एक्सपेंडेबल है विद microSD कार्ड। हैवी गेम्स काफी बेहतरीन चली, साथ ही ग्लिच फ्री एक्सपीरियंस रहा और परफॉर्मेंस बहुत फास्ट रही। मल्टीटास्किंग करी, वीडियोस देखे, सोशल मीडिया पर हमने सर्व किया, एवरीथिंग वाज लैग फ्री। हालांकि आई स्टिल फील दैट इसका प्रोसेसर और बेटर होना चाहिए था कंसीडरिंग द कॉस्ट, क्योंकि यही सेम प्रोसेसर अब काफी सारे कम प्राइस के स्मार्टफोन्स में भी दिए जा रहा है। सो बैटरी 4000 mAh की है, बहुत सॉलिड बैटरी है, डेढ़ दिन तक साथ निभाया। बहुत हैवी गेम्स खेली, सोशल मीडिया पे सर्व किया, यूट्यूब पे वीडियोस देखे और साथ ही काफ़ी कॉल्स भी करी, उसके बावजूद भी फ़ोन डेढ़ दिन तक चला हमारा। तो ओवरऑल डेढ़ दिन तक चला, और इसमें फास्ट चार्जिंग है, VOOC 3.0 फास्ट चार्जिंग, और 50 मिनट में फ़ोन 0 to 100% पूरा चार्ज हो गया। सो अगेन अ फैंटास्टिक बैटरी बैकअप। इसमें ColorOS है 6.0 और साथ दिया है Android 9, which is the usual interface like in other phones of Oppo. But yes, the Android of course is the latest, which is a good thing. बात कैमरा की करें तो रियर डुअल कैमरा है 48 मेगापिक्सल विद IMX586 सेंसर और 5 मेगापिक्सल सेकेंडरी कैमरा है। हालांकि एक्चुअल लेंस इज 12 मेगापिक्सल, बट आपको सेटिंग्स में 48 मेगापिक्सल सेलेक्ट करना पड़ता है टू यूज इट। रियर कैमरा की पिक्स अच्छी आई, 48 मेगापिक्सल डिड अ वेरी गुड जॉब। पिक्स में डिटेल्स हैं एंड कलर्स आर वेरी वेरी वाइब्रेंट एंड वेरी नाइस, बट एट द सेम टाइम 12 मेगापिक्सल से भी पिक्स अच्छी आई हैं। सो ऑल अराउंड द रियर कैमरा सेटअप वाज वर्थ इट टू सी, द क्लैरिटी इन द पिक्चर्स वाज वेरी वेरी गुड। सुपर नाइट मोड इसमें दिया गया है। ओप्पो F11 में ये फीचर है जो लो लाइट में अच्छे पिक्स देता है। कलर्स एक्यूरेट आए और पिक में डेप्थ भी है, नॉट वेरी परफेक्ट बट नियर परफेक्ट इन द लो लाइट। वेल, एक और चीज वो है फ्रंट कैमरा जिसकी हम आपको बात बता रहे थे। पॉपअप कैमरा है विच इज वेरी नाइस, और जो पिक्चर्स हैं वो अच्छी आई है, लेकिन थोड़ा ब्यूटिफिकेशन ओवर हो गया है। सो कुछ पिक्चर्स जैसे आपको दिखा रहे हैं उसमें आप नोटिस करेंगे दैट थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन फैक्टर ज़्यादा हो गया है, बट अगेन अ पॉपअप कैमरा इज अ डिलाइट एंड आई लाइक पॉपअप कैमरा। वेल, सो क्या ओप्पो F11 Pro खरीदना चाहिए?
गुड लुकिंग फोन है ये, कोई डाउट नहीं है। ये जो कलर है बहुत खूबसूरत है, आउट ऑफ ऑल द कलर्स दिस इज व्हाट आई वुड रेकमेंड, बिकॉज जैसा बताया बाकी फोन्स में अभी तक ये कलर्स मुझे नहीं दिखा है, एक आध कुछ होगा तो होगा, अदरवाइज हैवंट सीन इट येट। सो गुड कलर एंड डिज़ाइन काफ़ी प्रीमियम है, बहुत प्रीमियम डिज़ाइन है, नो डाउट हाथ में पकड़ते ही लग रहा है कि महंगा फ़ोन है। ऑलराउंडर फ़ोन है, फास्ट चार्जिंग है इसमें, कैमराज इज़ गुड, 48 मेगापिक्सल इज़ अगेन एन एडेड फैक्टर इन दिस, और पॉपअप कैमरा है इसमें। प्रोसेसर ऐसा है जो कि बजट फोन्स में भी है, सो दैट्स अ लिटिल नेगेटिव हियर, बट देन अगेन कॉम्पिटिशन बहुत है, आपको और भी ऑप्शन मिल जाएंगे इन द सेम स्पेक्स, लेकिन पॉपअप कैमरा में नहीं मिलेंगे, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट पॉपअप सेल्फी कैमरा राइट नाउ। सो अगर पॉपअप सेल्फी कैमरा चाहिए, 48 मेगापिक्सल रेयर कैमरा चाहिए उसका कॉम्बिनेशन, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, यू कैन कंसिडर बाइंग इट। हालांकि थोड़ा महंगा है ये, बट अगर आपका बजट है लगभग 24,000 तक का, तो आप एक बार इसको ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं, इट्स pretty good and a smart phone. तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और कुछ और जानना चाहते हैं इस फ़ोन के बारे में तो वो भी हमें बताएं, एंड यू कैन एक्चुअली सी द पिक्चर्स वंस यू बाय द फ़ोन, एक बार आप जाके ज़रूर देखें अपने शॉप पे जब जाएंगे इसे ख़रीदने के लिए, बिकॉज कैमरा इज़ रियली फैंटास्टिक, इट इज़ रियर कैमरा इज़ वेरी गुड। टेक तक को सब्सक्राइब ज़रूर करें फॉर द डेली अपडेट्स ऑन टेक्नोलॉजी।